मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज तथा रेहटी तहसील में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रेहटी तहसील के ग्राम पांगरा पहुंचकर अरविंद दुबे की पुत्री के विवाह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वरवधू को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बरखेड़ा में स्वरूप सिंह भाटी के घर विवाह समारोह में शामिल हुए और वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम छिद गाँव काछी पहुँचे। यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश राम कुशवाहा के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसके बाद नसरुल्लागंज पहुंचकर वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह यादव के निधन पर भी परिजनों के बीच पहुंचकर शोक व्यक्त किया। यहां पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्राम तिलाड़िया में आयोजित आध्यात्मिक महाज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने कहा कि धर्म हमें सदा सही मार्ग बताता है। उन्होंने कहा कि ग्राम राला से तिलाड़िया तक सड़क के लिए 12 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार तिलाड़िया से पामोर खेड़ी तक सड़क के लिए 15 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा नेता गुरुप्रसाद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, रघुनाथ सिंह भाटी सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। हर चीज अपने हिसाब से लिए, उसमें भी संतुष्ट रहें। सात्विक कार्यकर्ता का हर दर्शन मैंने भगवान देखा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों के स्थान दे, यही है उनमें और उनके परिवार को, उनके मित्रों को, उनके सहयोगी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।